LGBT फुल फॉर्म बोले तो लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इस कैंपेन में सबसे पहला आता है L, मतलब लेस्बियन। तो आइए देखते हैं कि लेस्बियन है क्या। गूगल में लिखा है कि अ वुमेन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू अदर वुमेन इज कॉल्ड लेस्बियन। ये लेस्बियन की परसेंटेज है गूगल के हिसाब से वर्ल्ड में वो 1.4%। ये तो 1.4 है लेस्बियन की परसेंटेज और स्ट्रेट वुमेन की है 93% ऑफ ऑल वुमेन। जी में मतलब दूसरे में, जी का मतलब होता है गे। तो गूगल में है सेक्सुअल अट्रैक्टेड टू पीपल ऑफ सेम सेक्स ऑफ कॉमा होमोसेक्सुअल। ये अगर आप पढ़ पा रहे हो तो अब आते हैं परसेंटेज के बारे में। अभी मैंने वो किया है सर्च की है कि गे की परसेंटेज कितनी होती है। सिर्फ 10% होती है वर्ल्ड वाइड। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट भी है, लेस्बियन भी है, गे नहीं है, गे भी है सॉरी, तो उसका जो इलाज है वो मतलब आइडेंटिटी है वो किसी को किसी आसानी से होता नहीं है। मतलब वो पता नहीं चलता कि वो क्या है, क्योंकि वो तीन कैटेगरी है, बाई की तीन कैटेगरी है। वो मैन को भी अट्रैक्ट कर सकता है, गे मतलब मैन और मैन गे ही होते हैं, स्ट्रेट भी है मतलब मैन और वुमेन को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और गर्ल्स भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये जो कि बहुत मुश्किल है, बाय बहुत मुश्किल है। ये COVID-19 तो अभी आया है, सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी आया है, लेकिन इनके साथ ट्रांसजेंडर्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत सालों से हो जा रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रांसजेंडर होते कौन हैं। ट्रांसजेंडर वही होते हैं जो आपको रेड लाइट एरियाज में मिलते हैं और जिसको आप कहते हो दो नाम से, छक्के और हिजड़े। यार एक बात बताओ, ये जो सुनील ग्रोवर जो कुत्ती बनता था और जो किक्कू शारदा जो बम्पर बनता है और जो कृष्णा जो सपना बनता है, उसमें आपको शर्म नहीं आती है? उसमें आपको शर्म नहीं आती कि यार ये क्या क्या औरत बन रहा है, क्या लड़का होके औरत का रोल प्ले कर रहा है? आपको शायद पता नहीं है कि कपिल के शो पे एक बार ट्रांसजेंडर स्पेशल था। सपोज सपोज समवन टेल यू दैट ही और शी इज गे और लेस्बियन, देन व्हाट्स योर रिएक्शन? आई वॉन्ट टू नो, कमेंट डाउन बिलो। ये विकिपीडिया में लिखा है, ये जो 377 जो एक्ट 377 वो हट गई है। और ये रही गूगल में, ये आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब का बटन या तो इधर आ रहा होगा या तो इधर आ रहा होगा या तो ऊपर आ रहा होगा, वो कर देना और बन जाना मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। शब खैर, बाय बाय।